हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीग्रेशन में आज हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं वी मॉडल के तो चलिए देखते हैं क्या होता है एडवांटेजेस इन वी मॉडल द एडवाटेज ऑफ वी मॉडल मैथड इज़ दैट इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द सिंपलिसिटी ऑफ दिस मॉडल ऑल्सो मेक्स इज ईजी टू मैनेज तो जाहिर सी बात है जो सबसे हमारा ईजी मॉडल था वो क्या था हमारा था वाटरफॉल मॉडल तो ये उसी का भाई है तो ऑफकोर्स ये भी ईजी ही होगा और ईजी है भी क्योंकि यहाँ पर लिनियरली सारे काम हो रहे हैं जो भी स्टेप्स है वो फिक्सड है चेंजेस नहीं हो रहे ठीक है तो so, इसलिए ये ईजी टू अंडरस्टैंड है प्लस अप्लाई करना भी ईजी है ठीक है इसलिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज बोल सकते हैं हम लोग ये वी मॉडल मैथड्स का द एडवाटेजेस ऑफ वी मॉडल मैथड आर एज फॉलो दिस इज ए हाईली डिसिप्लिन मॉडल एंड फेजेस आर कम्प्लीटेड वन एट ए टाइम जो जाहिर सी बात है कि जो हमारा फेज है एक फेज होने के बाद दूसरा फेज तीसरा फेज तीसरा फेज तो यहाँ पर मतलब वन टू थ्री फोर टाइप के काम होंगे आप कोई भी काम पैरल ही नहीं कर सकते और ये एक टाइप का डिसएडवांटेजेस भी है बाद में बताऊंगा तो एडवांटेज आपको इसको पकड़ लो कि ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पर हर चीज फिक्स है और चेंज नहीं हो रही और वेल डिसिप्लिन में काम हो रहा है

छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए ये आप इसको यूज़ कर सकते हो अच्छे से काम करता है जहाँ पर रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो रही है आप वहाँ पर इसको यूज़ कर लो और यहाँ पर हमें पता ही है कि हर फेज़ में क्या क्या हमें आ, मतलब एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट का क्या एंड प्रोडक्ट मिलेगा रिक्वायरमेंट फेज़ का एंड देन डिज़ाइन फेज का क्या एंड प्रोडक्ट मिलेगा तो बाकी के सारे एंड प्रोडक्ट्स हमें पता है एट द एंड ऑफ द स्टेप्स और हम उसको इजीली रिव्यू कर सकते हैं तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस है वी मॉडल के तो अगर आपको कोई मॉडल सेलेक्ट है, तो आप पहले इसका एडवांटेज भी देख सकते हो कि ये एडवांटेज आपको मेट uh, कर रहा है आपके क्राइटेरिया को तो देन यू कैन चूज दिस टाइप ऑफ मॉडल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो डिसएडवांटेज है वो क्या होता है वी मॉडल का थैंक यू